जैसा कि हम समझ रहे थे, एक ऐसी जबरदस्त शाश्वत व्यवस्था को हम समझ रहे थे। ध्यान में लीजिए, अब यहाँ पर आपको भूगोल थोड़ी समझनी है। ये बीच का जंबो द्वीप है, और ये जो है आप देखोगे तो ये धातकी खंड है, और ये जो है हम देखेंगे कि ये पुष्कर द्वीप। क्या हो गया? टोटल मनुष्य क्षेत्र हो गया साहब 2.5 द्वीप का, जो है मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, समुद्र नहीं बता। अब ये जो है यहाँ पर नीचे पर्वत क्षेत्र है, ये नीचे ऊपर यहाँ ऐरावत क्षेत्र है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये जो है 5 ऐरावत क्षेत्र हो गए, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये पांचों ऐरावत क्षेत्र। इधर आपने ये भरत क्षेत्र देखा है, और ये जो है पहला भरत हुआ, दूसरा भरत क्षेत्र, तीसरा भरत क्षेत्र, ये चौथा भरत क्षेत्र, ये पांचवा भरत क्षेत्र। अब ये कितने हो गए? ये 5 और ये 5, 10 हो गए। बस इन 10 क्षेत्रों के अंदर ही काल का परिवर्तन है। अब सर्पिणी आता है, उस सर्पिणी आता है, काल बदलता रहेगा। 6 आरे उस सर्पिणी के, 6 आरे उस सर्पिणी के, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उस सर्पिणी का, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उस सर्पिणी का, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल चक्रम परिवर्तनशील है, बदलता। बोलिए मीना बहन जी, ख्याल आ गया आपको? Yes, Maharaj, you said in the Bharat Kshetra, in the five divisions, the Kal Chakra is prevalent, is always there in Bharat Kshetra and Airavat Kshetra. In Mahavidya Kshetra, there is no Kal Chakra. राइट। देखिए अब आपको क्या समझना है, इधर देखिए चित्र पहले ध्यान से है। 10 क्षेत्र है और कर्म भूमि के क्षेत्र है ये 10। ये जो आपने देखा ये सभी कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि के क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म होता है, भगवान होते हैं, मोक्ष में जाते हैं। क्षेत्र बिल्कुल सही सानुकूल है, इन 10 क्षेत्रों की बात हो रही है। लेकिन जब आरे बदल कर इसमें पहला दूसरा तीसरा आरा आ जाए, तब अकर्म भूमि जैसी हालत हो जाती है। जैसे अकर्म भूमियों के अंदर युगलिंग होते हैं, वैसे यहाँ भी युगलिंग होने लग जाते हैं। और जब युगलिंग होते हैं तो अकर्म भूमि जो बाहर है, आपने ये जो बाहर यहाँ पर अकर्म भूमि देखी, ये अकर्म भूमिया कैसी है? भगवान होते नहीं है, धर्म होता नहीं है, कोई मोक्ष में जाते नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल अकर्म भूमि से कर्म भूमि अलग प्रकार की है। भगवान होते हैं, धर्म होता है, गुरु होते हैं, मोक्ष में जाते हैं, सब कुछ बात। लेकिन ये परमानेंट शाश्वत अकर्म भूमिया है, और ये कितनी है? ये 30 है और +56 अंतर द्वीप है, ये हो गए 86 हो गए, समझे कि नहीं? अब इनके यहां में परमानेंट सिस्टम हो गई, वहां से कोई मोक्ष में नहीं जाएगा।
कभी भी भगवान नहीं होंगे, कभी भी धर्म नहीं होंगे, कभी कोई गुरु नहीं होंगे, कभी कोई मोक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो 15 कर्म भूमियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सव्वा कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल तक ही कर्म भूमि के रूप में रहती है, और बाकी के मतलब 7.25 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक ये सब जो है अकर्म भूमि जैसी हो जाती है। यहाँ यहाँ कोई भगवान नहीं होते, यहाँ कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे तो ये क्या हो गया है, अकर्म कर्म भूमि होते हुए भी ये टाइम बिंग अकर्म भूमि जैसी हो जाती है। इसलिए ये परमानेंट कर्म भूमि या अकर्म भूमिया है, ये कर्म भूमि होते हुए टाइम ऐसा आ जाता है, आरे ऐसे आ जाते हैं कि ये अकर्म भूमि बन जाती है, युगलिक क्षेत्र हो जाता है। तो क्या हो गया कि ये सब जो है इस कक्षा में चले जाते हैं, सब क्या करना बताइए। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अवसर्पिणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्सर्पिणी काल, इनमें से 10 में से सव्वा कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल ही कर्म भूमि का रहता है, भगवान होते हैं मोक्ष में जाते हैं धर्म, बाकी का सारा काल जो है व्यर्थ जाता है, युगलिंग होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, धर्म नहीं होता है। अब बताइए क्या करना, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति कितने लंबे काल तक चलती है, कितना काल इस प्रकार का लंबा काल चलता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम कितना कहलाता है। हाँ, एक कोड़ा कोड़ी एक सागरोपम बरोबर ही असंख्य वर्ष होता है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम कितना हुआ, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम कितना हुआ, सोचिए आप, से ये कैसी विडंबना हो गई, इतनी बड़ी विडंबना हो गई। यहाँ पर जो है इसका काल जो है, अब कर्म भूमि होते हुए कालिक निमित्त की अकर्म भूमि जैसा व्यवहार होगी, युगली होंगे, कोई धर्म नहीं होगा, कोई मुक्त नहीं जाएगा, ये परिस्थिति आ गया ख्याल में। क्षेत्र है, अब टोटल क्षेत्र मनुष्य के है ही कितने साथ, अब टोटल 101 क्षेत्र है, और इन 101 क्षेत्रों में से आपको दो तरफ से 3 डिवीजन कर लो, 15 है, 30 है, 56 है, ये इतने मिला करके 101 तो हो गए। इन 101 के अंदर ये 15 है, और इन 15 के अंदर 2 डिवीजन हो गए सब अलग से, ये 5 और ये 10। 5 और 10 का डिवीजन किसका है, 5 जो है महाविनय है, एक से और 10 हाँ मालिक जो है भरत ऐरावत के हैं। तो महाविदेह की डेस्टिनी कैसी है, विच इज नेवर चेंजेबल, विच कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। सो महाविदेह परमानेंट महाविदेह के रूप में ही है, भरत क्षेत्र भी परमानेंट भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र भी ऐरावत क्षेत्र परमानेंट है, कोई दो राय नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन महाविदेह में कितने ही काल, कितना ही काल बीत जाए, कितना काल बीत जाए, वहां पर युगलिक नहीं आएंगे, काल नहीं बदलेगा, क्षेत्र नहीं बदलेगा, परमानेंट धर्म रहेगा, परमानेंट भगवान होते रहेंगे, परमानेंट लोग मोक्ष में जाते रहेंगे, बरोबर चलेगा।
लेकिन हमारे यहाँ क्या हो जाता है, ये रेखा क्षेत्र आप इधर देखिए, ये 5 भरत हो गए, जम्बूद्वीप का 1 भरत, दातकी खंडे के ईस्ट वेस्ट के 2 भरत और पुष्कर द्वीप के ईस्ट वेस्ट के 2 भरत, ये 5 और 5 हो गए। इधर जम्बूद्वीप का 1 ऐरावत, इधर ये 2 ऐरावत, तब है दातकी खंड के और पुष्कर द्वीप के 2 ऐरावत, ये 5 हो गए। सब कितने हो गए, अब ये 5 और ये 5 10, अब 10ों कर्म भूमि है। हम आज कर्म भूमि में यहाँ रह रहे, ये हमारा रहने का निवास स्थान का क्षेत्र है, लेकिन हम करें क्या बताइए। आरा बदल जाए, काल बदल जाए, समझे कि नहीं, तब कैसे होगा, तब क्या परिस्थिति होगी, ये किसको समझ में आ रहा है। इतना सारा काल जब बदल जाएगा, तो ये 5 और ये 5 इन 10ों क्षेत्रों के अंदर जो है सारी व्यवस्था विपरीत हो जाएगी। अब कोई भगवान नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा और कोई गुरु नहीं होंगे, अब मोक्ष में कोई नहीं जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि अब बदलने में, अब परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्यों परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो ये 5 और ये 5 की बात चल रही है सर। इनमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं, ये परमानेंट अकर्म भूमि, अकर्म भूमि है ये, परमानेंट महाविदेह क्षेत्र, परमानेंट महाविदेह क्षेत्र है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, समझे कि नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, एनी टाइप ऑफ, व्हाट एवर टाइप ऑफ द चेंजेस, इट इज कमिंग ओनली इन दिस भरत एंड ऐरावत। मैं एक 2 मिनट जरा विश्राम लेता हूँ, हाँ मुझे समझाना इनको, 2 मिनट रुकना।
हाँ जी, तो यहाँ पर आप सुन रहे थे, देखिए क्या था विषय, कि जिसके अंदर शाश्वत परमानेंट कर्म भूमि और कालिक कर्म भूमि, परमानेंट अकर्म भूमि और कालिक अकर्म भूमि, इन दोनों के अंदर जो हम चेंजेस देख रहे हैं, किसमें कितने कम ज्यादा, किसमें कितने कम ज्यादा हो रहे हैं, तो वो आपको समझना है। इसके अंदर जो है ये जो परमानेंट अकर्म भूमि है, विच इज नॉट चेंजेबल एट ऑल, तो यहाँ पर जो परमानेंट अकर्म भूमि है वो परमानेंट रहेगी, जो परमानेंट कर्म भूमि है वो परमानेंट रहेगी, लेकिन जो कालिक कर्म भूमि और कालिक अकर्म भूमि वो चेंजेबल है। बस ये मतलब नियति कैसी है वो आपको समझना है। बोलिए प्रमोद जी, ख्याल आ गया आपको? जी महाराज साहब। टोटल 101 मनुष्य क्षेत्र में 86 अकर्म भूमि है, वो नियति है, वो कभी कर्म भूमि नहीं बनेगी, परमानेंट अकर्म भूमि ही रहेगी। हाँ और आर्य के हिसाब से जो कर्म भूमि है वो अकर्म भूमि जैसी युगलिक लोक की तरह वहां पे रहेंगे आर्य के हिसाब से, जैसे एक से पहले से तीसरे आर्य तक और पांचवा और छठा आर्य। बोलिए नीति बहन जी, बोलिए, देखिए समझ में आ गया? मारे सर, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। चलिए साहब, शीत बोलिए। साहब जी, 101 मनुष्य क्षेत्र है, उसमें से 86 अकर्म भूमि है जो कालिक नियति है, जो कभी चेंज नहीं होगी, वहां सदा काल के लिए युगलिक होगे, और 15 कर्म भूमि है जिसमें पहले दूसरे तीसरे आर्य के एंड तक युगलिक रहेंगे, वो मतलब वहां पे अकर्म भूमि जैसा रहेगा 3 आरओ तक, तो ये चलिए अब कालिक आपको भवी दव्यता नहीं यही, है। हाँ यही आपको मुख्य रूप से समझना है। मैंने दो डिवीजन कर दिए, एक परमानेंट का डिवीजन है, ये कालिक का है, दो डिवीजन किए सर। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि कालिक व्यवस्था है। अब ये मैंने क्या बताया आपको, बिल्कुल नियति है। तो नियति एक डेस्टिनी है, भवितव्यता, एंड विच इज नेवर चेंजेबल, नो बड़ी कैन चेंज इट, समझे कि नहीं? तो ये हमको पहले समझना है, व्यवस्था ये कैसी व्यवस्था है ऐसा। तो है तो कहने के लिए तो 101 क्षेत्र है, तो इन सब के अंदर दी बेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो सिर्फ बीच के 5 महाविदे हैं। वो 5 महाविदे ऐसे हैं कि वहां के परमानेंट सिस्टम, त्रिकाल नित्य त्रैकालिक शाश्वत व्यवस्था हो गई, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। क्या लगे?
अब मैं महाविदेह के अंदर भी चेंज बताना चाहता हूं। पहले कालिक और क्षेत्रीय दोनों व्यवस्था अलग अलग समझ लेंगे, तब आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। है भवि तव्यता, नियति है और परमानेंट नियति है, लेकिन कैसी परमानेंट नियति की व्यवस्था है, चेंजेबल या नॉन चेंजेबल, ये आपको देखना है। अब क्षेत्रीय दृष्टि से और कालिक दृष्टि से दो के बीच में आपको अंतर करना है, ये विशेषता आपको समझनी है। अब मैं आपको यहाँ पर महाविदेह की बात कर रहा हूं। अब क्यों एलसी जैन साहब क्यों ऐसी बात कर रहे हो बीच बीच में? भाई आपका नॉलेज है, मैं कहाँ ना कह रहा हूं, आपकी जानकारी में आपको बीच में मत लाई। मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं पहले वो देखिए। चलिए अब आपको क्या ख्याल रखेंगे यहाँ पर, ये है महाविदेह क्षेत्र यहाँ के, हाँ जी इधर देखिए आप, ये महाविदेह क्षेत्र जो है हाँ जी इधर देखिए, ये जम्बू द्वीप का महाविदेह हो गया यहाँ का, और ये जो है यहाँ के दो महाविदेह यहाँ के, ये गांधकी खंड का है, ये पुष्कर द्वीप का है, और इधर आप ये देख रहे हो ये गांधकी खंड का है, ये पुष्कर द्वीप का है। अब कैसे ये हो गए, ये एक, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अभी मैंने क्या समझाया आपको, पांच महाविदेह की परमानेंट व्यवस्था हो गई। अब इन पांचों महाविदेह के अंदर परमानेंट की बात, अब कालिक बात नहीं, क्यों कालिक बात यहाँ नहीं करनी है, बोलिए प्रवीण जी, ख्याल आया आपको? यहाँ की नीति ऐसी है साहिब जी कि यहाँ पे भगवान बनते हैं कालिक दृष्टि महावीर। से महाविदेह परमानेंट कर्म भूमि है, पहले ये शब्द बोलिए आप, राकेश जी बोलिए। कालिक दृष्टि से महाविदय कर्म भूमि है। अरे पांचों महाविदेह, कालिक दृष्टि से पांचों महाविदेह परमानेंट कर्म भूमि है, बोलिए नीति बहन जी, ये शब्द बोलना है। जी हमारे सर, कालिक दृष्टि से पांचों महाविदेह परमानेंट कर्म भूमि है। हाँ बरोबर आ गया, अब परमानेंट शब्द जोड़ा है आपने। अब क्षेत्रीय दृष्टि से, अब क्षेत्र की दृष्टि से पहले उसको अलग करिए, तो ये परमानेंट महाविदेह होते हुए इतना क्षेत्र ये अकर्म भूमि हो गया। इधर ध्यान दीजिए और देखिए, चित्र पर देख के लिखिए, ये महाविदेह है, पूरा महाविदेह कहलाता है, लेकिन इसके बीच में इतने में ये उत्तर कुरु और देव कुरु, तो ये परमानेंट जो है ये अकर्म भूमि हो गया। यहाँ पर इसके साथ जोड़िए, ये मैं लिख रहा हूं परमानेंट अकर्म भूमि। अब यहाँ पर आप लिखिए परमानेंट अकर्म भूमि, यहाँ पर ये देखिए ये परमानेंट अकर्म भूमि, ये परमानेंट अकर्म भूमि, कितने हो गए? 5 अक्रम 5 हो। हाँ इधर देखिए आप, पहले गिनती करिए मैंने क्या क्या बोला है।
उत्तर कुरु देव कुरु, उत्तर कुरु देव कुरु, उत्तर कुरु देव कुरु, दो दो चार, दो छह, दो आठ और दो दस। ये 30 के अंदर 10 तो ये हो गई सर। अब ये 10 होने से क्या हो गया, ये कर्म भूमि के क्षेत्र में अकर्म भूमि आ गई। कहने के लिए महाविदेह है, लेकिन महाविदेह के बीच में इतना पोर्शन जो है ये अकर्म भूमि का हो गया। अब डेफिनेशन तो समझ ली है आपने, अकर्म भूमि का मतलब क्या हुआ कि परमानेंट यहाँ से उत्तर कुरु से देव कुरु से कोई भी आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी, कभी भी वहां तीर्थंकर भगवान नहीं होंगे, कभी भी वहां पर गुरु महाराज नहीं होते, कभी भी वहां पर धर्म नहीं होता। आ गई बात ख्याल में? बोलिए विभा बेन जी, बोलिए। पांचों महाविदेह के उत्तर कुरु और देव कुरु में कभी भी धर्म नहीं होंगे, कभी भी भगवान नहीं होंगे, कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे, और वो हमेशा के लिए तो पहले अकर्म भूमि बना रहेगा। सेंटेंस सुनो, पहले पांच महाविदेहों के बीच में सेंटर में उत्तर उत्तर कुरु, कुरु, नॉर्थ में देव कुरु, साउथ में दो दो, ऐसे पांच महाविदेह के केंद्रों में दो दो करते हुए 10 जो है अकर्म भूमि परमानेंट हो गई। तो वहां भगवान नहीं, धर्म नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं। अब बोलिए, समझ करके बोलेंगे हम। हाँ बड़े सीमा बहन जी, बोलिए। महाविद्या के सेंटर में पांच 10 अकर्म भूमि है, दो देव गुरु, उत्तर गुरु पहले और देव। गलत, आप गलत बोलते जा रहे, मैं क्या करूं? आपका ध्यान नहीं है तो मत बोलिए सर। जिनको ध्यान है, बरोबर लक्ष्य लिया है, बोलिए सर। हंसा बहन, खबर पड़ी गई, समझन पड़ी? अच्छा पांचों बोलिए कौन बोल रहे राहुल हो? जी, बोलिए। चलिए अरे जल्दी करो, बोलो ना। पांच महाविदेहों में उत्तर कुरु और देव कुरु दो दो है। महाविदेह के बीच में दो दो उत्तर कुरु और देव गुरु, ऐसे पांच महाविद्या में 10 हो गए, वहां पर देव गुरु और धर्म नहीं होंगे। बोलो अंसाबेन, बोलो सर, खूब बोल जो जरा व्यवस्थित। हाँ, पांचों महाविदेहों में उत्तर कुरु और देव कुरु, दरेक प्रत्येक में दो दो ऐसे पांच महाविदों के 10 क्षेत्र ऐसे हैं जो अकर्म भूमिया है, और उसमें हमेशा के लिए वो नियति है कि वहां धर्म नहीं होगा, तीर्थंकर नहीं होगे और कोई मोक्ष में नहीं जाएगा। बस अब देखो, कर्म भूमि महाविदे इतना श्रेष्ठ स्थान, मतलब दी मोस्ट टॉप जो है, सबसे उच्च कक्षा का, सबसे अच्छा और सबसे टॉप होते हुए भी ये हालत हो गई वहां की। अगर वहां पे अब और चीजें आप, युगलिक भी होंगे ना, युगलिक हाँ तो यहाँ सब जगह युगली की होंगे। ये जो 10 उत्तर कुरु हो गए ना, उत्तर कुरु और देव कुरु, 10ों में युगली की होंगे परमानेंट। जहां जहां अकर्म भूमिया परमानेंट है वहां युगली ही होते हैं और वो मोक्ष में नहीं जाते। लेकिन हमारे भरत ऐरावत में तो हम लोग आज युगलिक नहीं है, हम योग युगलिक नहीं है, तो हमारे भरत ऐरावत की भूमि परमानेंट अकर्म भूमि नहीं है। हमारी भूमि परमानेंट कर्म भूमि है, लेकिन बीच में कालिक दृष्टि से इतने 3 आराव में ये अकर्म भूमि जैसी बन जाती और यहाँ युगलिक हो जाते हैं। महाविदेह में कालिक दृष्टि से सभी परमानेंट कर्म भूमिया है, क्षेत्रीय दृष्टि से बीच के सेंटर के क्षेत्र, सेंटर के कौन से हैं, जहां बीच में मेरु पर्वत है उसके सराउंडिंग चारों तरफ का क्षेत्र है, वो सारे अकर्म भूमि है। अब वो परमानेंट ही अकर्म भूमि क्षेत्रीय दृष्टि से अकर्म भूमि है,
और भवितव्यता ऐसी आ गई, परमानेंट भवितव्यता, अब अनंत 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 काल में बदलती नहीं है, कभी कर्म भूमि होती नहीं है, कभी कोई भगवान वहां होते ही नहीं है। अब बताइए, जब भवितव्यता ऐसी सेट हो गई तो वहां भगवान कौन होने वाले? भवितव्यता ही ऐसी सेट हो गई, अब कोई चेंज नहीं रहेगा, सब कुछ भी नहीं होगा। कितने तीर्थंकर हो रहे, महावीर में ही हो रहे हैं। अच्छा, अब एक बात राहुल जी और लिखो, ध्यान में रखिए साहब, पूरे महाविदेह का लगभग आधा क्षेत्र ये परमानेंट अकर्मों भी वाला खा जाता है, ले जाता है। बोलो शीतल बेन, आज साहब सेंटेंस बेस से। पूरा महावीदेह माथी देव गुरु ने उत्तर करू मोटा भागनो क्षेत्र युगलिक लई जसे, अकर्म भूमि मतलब हो हाँ, जाएगी। ध्यान में लीजिए, 1 लाख योजन का मेरु महाविदेह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है। पहले एक एक वाक्य बोलिए, लीला बेन जी बोलिए। पूरा महाविदेह क्षेत्र 1 लाख योजन उत्तर और 1 लाख योजन पूर्व में फैला हुआ, हाँ, उत्तर उत्तर क्रू क्यों और बोला? नहीं, उत्तर क्रू और देव क्रू। नहीं, इधर उधर मत बोलिए, आप एक ही सेंटेंस बोलिए। पूर्व से पश्चिम तक पूरा महाविदेह क्षेत्र 1 लाख योजन है। में फैला हुआ है, बोलिए विभा बहन जी, बोलो। पूर्व से पश्चिम तक महाविदेह क्षेत्र 1 लाख योजन तक फैला हुआ है। हाँ चलिए, आप जल्दी फटाफट लिख लो। पहले जम्बूद्वीप का महाविदेह क्षेत्र पूरा पूर्व से पश्चिम तक 1 लाख योजन, दांतकी खंड का पूरा महाविदेह पूर्व से पश्चिम तक 2 लाख योजन। जल्दी लिखिए, दांतकी खंड के पश्चिम में पूर्व से पश्चिम तक का पूरा महाविदेह क्षेत्र 2 लाख योजन। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 लाख नहीं, 4 लाख योजन लिखिए, बीच में समुद्र नहीं है ना, वो भूल गया, बीच में 2 लाख योजन का समुद्र है। तो ये महाविदेह क्षेत्र दांतकी खंड का ईस्ट वाला पूरा 4 लाख योजन, ये वेस्ट वाला पूरा 4 लाख योजन विस्तार वाला है। हो गई बात पूरी? चलो आगे लिखिए, अब यहाँ पुष्कर द्वीप का ईस्टर्न महाविदेह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 8 लाख योजन, पुष्कर द्वीप का वेस्टर्न महाविदेह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 8 लाख योजन। चलो जैन साहब करो, टोटल करिए। 25 25 लाख योजन। वेरी गुड। अब इनके अंदर 1 लाख योजन में, जम्बू द्वीप के बीच के 1 लाख योजन में से करीब करीब बीच का 44 हजार योजन उत्तर कुरु देव कुरु का विस्तार चला जाता, उसमें बद्रशाल वन के साथ मैंने गिनती करके बोला है, इतना बड़ा क्षेत्र का। अब भाई साहब क्या हुआ, 1 लाख योजन में से 44,000 योजन माइनस कर दो, बचा क्या, आधा बचा, आधे में 32 विदेह है, आधे में 32 विदेह में सिमंदर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवान होते हैं, वहां जो मनुष्य जन्मेंगे वो मोक्ष में जरूर अच्छा, जाएंगे। अरे ये बात ध्यान में, ये विशेषता बताई है, वैसा ही सबके आगे 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 सबका समझिए, खाली मेजरमेंट ही 4 गुना ज्यादा है और कुछ नहीं है। तो ये जो मेजरमेंट यहाँ का आप देख रहे हो, इसमें इतना ज्यादा जा रहा है, इधर आप देख रहे हो पुष्कर द्वीप में 8 लाख योजन है, वहां विस्तार और डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा।
तो ये तो सोचो कि जब पुष्कर द्वीप के महाविदे 8 लाख योजन के विस्तार वाले हैं तो जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी हुई, अरबों खरबों की संख्या में पॉपुलेशन पहुंच जाएगा, और वो परमानेंट कर्म भूमि है, हमेशा ही मोक्ष में जाएंगे। लेकिन ये अकर्म भूमि भी परमानेंट उसी के बीच में आ गई, और परमानेंट अकर्म भूमि उत्तर कुरु देव कुरु 10 क्षेत्र हो गए परमानेंट, वहां पर युगलिंग 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 होते रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। वहां पर जो है भगवान नहीं होंगे, सनी होंगे, धर्म नहीं होगा, नहीं होगा, मोक्ष में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बस बात पूरी होगी। बताइए अब क्या करना। ऐसे उत्तर गुरु देव गुरु हमारे भरत ऐरावत में नहीं है। अरे ये बात इधर देखिए समझे, ये हमारे जो भरत ऐरावत क्षेत्र है इसमें ऐसे उत्तर गुरु देव गुरु नहीं है। लेकिन अब काल जब पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा जाएगा, तब यहाँ भी सब युगलिंग 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 हो जाएंगे। बस अकर्म भूमि जैसा ही व्यवहार हो गया, अब कोई भगवान नहीं, कोई मोक्ष भी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या परिस्थिति हो जाएगी, समझ रहे हैं आप ध्यान से। अब चलो भाई गिनती करो प्रवीण जी, पहला आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, दूसरा आ रहा 3 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, तीसरा आ रहा 2 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, कितना हुआ? नौ हाँ ये देखिए, अब जब 9 कोड़ा कोड़ी सागरूपम हो गया है, अब इसी को बीच में लेना, ध्यान रखना, ये सामने चाहिए बीच में। अब आप यहाँ पर ये काल ले लो भाई साहब, अब ये काल जो है आ गया ना यहाँ पर, और ये यहाँ पर अवसर सर्पिणी काल आ गया। अब यहाँ पर ये सर्पिणी, ये अवसर पिणी काल है, ये भी 10 कोड़ा कोड़ी है, ये भी 10 कोड़ा कोड़ी है, करना क्या? ये पहला आरा बीत गया 4 कोड़ा कोड़ी का, ये दूसरा आरा बीत गया 3 कोड़ा कोड़ी का, ये तीसरा आरा बीत रहा है 2 कोड़ा कोड़ी का। अब इधर भी भगवान नहीं, इधर भी धर्म नहीं, इधर भी भगवान नहीं धर्म नहीं, इधर भी भगवान नहीं धर्म नहीं, ये हमारी बात चल रही है, ध्यान दीजिए आप, हमारे क्षेत्र की बात चल रही है। अब तीसरा आरा जब ये इतना सा बचा है, इतना सा, अब यहाँ आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्ध विमान से उतर कर आएंगे, भगवान बनेंगे। इधर देखिए, अब वॉट टाइप ऑफ द को इंसिडेंस, इधर काल का युगलिक काल की समाप्ति, इधर तीर्थंकर का आना। अब इस समय में बरोबर तीर्थंकर भगवान, ये को इंसिडेंस, तो क्या होगा, इतने लंबे काल से 4 3 7 2 9 पौने 9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक जो युगली काल चला, धर्म नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं, क्षेत्र हमारा क्षेत्र कर्म भूमि का है, काल अकर्म भूमि जैसा आ गया, इतना टाइम वेस्ट चला गया। किसमें से अब 10 में से पौने 9 माइनस करिए, कितना बचा? फिर ये आ गया आपके पास चौथा आरा, अब ये 1 कोड़ा कोड़ी का है, इधर देखिए, इसमें भगवान हो जाएंगे, धर्म हो जाएगा, मोक्ष में जाएंगे। इसके बाद ये पांचवा आरा आ गया, ये छठा आरा आ गया, इधर देखिए, ये युगलिंग नहीं होते हुए भी अब कोई मोक्ष में नहीं जा सकता है, काल बड़ा विचित्र आ गया, युगलिंग नहीं है, यहाँ युगलिंग नहीं होंगे, लेकिन इतने बौने ठिंगने हो जाएंगे, धर्म ही नहीं चलेगा, छठे आरे में क्या करेंगे। तब जा करके हमने पांचवे आरे के अंदर
आज मंदिर बनाए, भगवान विराजमान किए, धर्म आराधना करते जा रहे हैं, ये पंचम काल के अंदर आज हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इतना लंबा काल बिगड़ गया हमारा, सिर्फ इतने में हम हैं, और पंचम काल गया हाथ तो हाथ में से चला जाएगा, छठे आरे में तो कोई भगवान भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, जबकि युगलिंग नहीं है तब भी। ये आप ध्यान दीजिए कितनी बड़ी परमानेंट व्यवस्था है, समझे कि नहीं। इधर देखिए आप, फिर वापस इधर आगे ये साइड चलिए, फिर वही परंपरा, फिर उसी के जैसा समय, फिर ऐसी परिस्थिति सामने आएगी, समझेगी, फिर इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर ये चार कोड़ा कोड़ी सागरपन, कोई भरम नहीं भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं कोई भगवान नहीं, बस लास्ट में यहाँ आते ये 24वें भगवान हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर बाद में धर्म चालू होगा, फिर बाद में 24 भगवान होंगे सब। ये व्यवस्था कैसी है, बहुत बहुत ही विचित्र व्यवस्था है, और ये हमें समझनी है। तो मतलब आपको मोक्ष में जाने के लिए योग्य रूप से आपको करने के लिए समय मिलता कितना है, ये समझने की कोशिश करिए, समय कितना हाथ में बचता है आपके हाथ में। फिर हम उपेक्षा करके ऐसे ही छोड़ देंगे, चले जाएंगे, क्या होगा। हमने पहले भी भूगोल तो समझी थी ना, मैं कहा ना कह रहा हूं, लेकिन आज मुझे ये डिफरेंट एंगल समझाना, बात ये है। भूगोल तो आपने सीखी है भाई साहब, जनरल भूगोल को बिल्कुल हम जनरल साइंस में समझ चुके हैं, लेकिन मुझे ये अलग से बाइफरकेशन करना था, इसलिए बात थी। बोलिए किसको क्या पूछना है। भगवान नियति में और भगवतीता में कोई शाब्दिक अर्थ में फर्क है, दोनों भाई एक एक ही ही है जी? बात, शब्द शब्द में फर्क है, बाकी कोई अर्थ। बोलिए प्रवीण धन्यवाद। जी। पहली सवा कोड़ा कोड़ी सागरों का जो काल चला हमारा, तीर्थंकर बने और मोक्ष के इस समय में, शायद जी जो मोक्ष में जाने की संख्या हम अनंत कहेंगे, असंख्य कहेंगे या संख्यावत कहेंगे शायद जी। नहीं, कालिक प्रवाह से परमानेंट देखेंगे अनंत काल में तो अनंत कहना है, हाँ, पर्टिकुलर बड़ा अभी बड़ा कहेंगे। क्षेत्र, इतने लंबे काल से अनंत काल तक आपको देखना है, तब आपको परमानेंट कहना है। हाँ जी बोलिए। नहीं सर, पर्टिकुलर अभी की जो व्यवस्था है 24 तीर्थंकर, तो इसमें क्या कहें, असंख्य कहेंगे या कैसे कहेंगे या संख्या तो कहेंगे सर जी। नहीं, आप क्यों विश्व कह रहे असंख्या था। हाँ तीर्थंकर भगवान को शाश्वत व्यवस्था से जितने हुए वो तो अनंत है, वो के काल इतना अनंत बीत गया है। हाँ हाँ, तो वहां कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब आप अपने नियत काल से कहेंगे तब आपको फर्क पड़ेगा। बोलिए चोटिया जी, बोलिए जल्दी। महाराज साहब, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि पांच भरत की तरह, पांच ऐराव की तरह परमानेंट कर्म भूमि है, पर उसमें बीच में वो कालिक मतलब जो आरा की व्यवस्था होती है, तब वो आपके क्या कि अकर्म भूमि जैसी व्यवस्था। आप पहले अलग करो, 10 का ग्रुप और 5 का ग्रुप अलग करो। 5 भरत और 5 वैरावत को मिला करके 10 का एक ग्रुप बनाओ। क्यों ग्रुप बनाना है, कि भरत के जैसी समांतर व्यवस्था ऐरावत में, ऐरावत के जैसी समांतर व्यवस्था भरत में है, लेकिन महाविदेह हमारे से बिल्कुल अलग हो रहा है, वो बिल्कुल अलग ही व्यवस्था है। तो मैंने क्या बताया, महाविदेह कालिक दृष्टि से परमानेंट कर्म भूमि होते हुए क्षेत्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती केंद्र उत्तर कुरु देव कुरु का कर्म। पांचों जी भरत और पांचों ऐरावत के 10 क्षेत्र परमानेंट कर्म भूमि होते हुए कालिक दृष्टि से 9.25 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल अकर्म भूमि। अकर्म
शिवलिंग जैसा हो गया। आप मेरी बात पे एंगल समझने की कोशिश करेंगे तो ही बात समझ पाए। बिल्कुल बात, बिल्कुल हाँ, मैंने ये इतना टाइम लेकर खुलासा इसलिए किया, नहीं तो मुझे मालूम नहीं था कि आपके दिमाग में एक ही स्क्रू फिट है। बोलिए नहीं बहुत अच्छा लगा मीना हमारे, बहुत जोरदार हुआ आज। बहन जी, बोलिए। यस महाराज साहब, आई गॉट लिटिल कंफ्यूज आफ्टर द महावीदे इन द जम्बूदेव, पूरब से पश्चिम 1 लाख योजन। सो इन दैट कॉन्फिगरेशन आई द 2 लैक्स इज फॉर विच वन एंड 4 लैक्स, बिकॉज 8 लैक्स इज फॉर पुष्कर द्वीप, सो देन द 2 2 एंड 4 4 इज फॉर विच वन। हाँ, पुष्कर द्वीप ईस्ट एंड वेस्ट बोथ साइड इट इज 8 8 लैक्स। जातकी खंड ईस्ट एंड वेस्ट बोथ द महाविदे 4 4 लैक्स, बट विद इन द जम्बू द्वीप इन द सेंटर इट इज ओनली द 1 लैक एंड द टोटल इज 25। ओके, थैंक यू। और किसी को पूछना है? हाँ जी, कल से यहाँ पर पदार्थ विज्ञान जैन फिजिक्स एंड मेटा फिजिक्स की शिविर लग रही है। हम लोग यहाँ बिहार करके थाना में आए हैं, मुलुंड से निकल करके आज थाना आए, और कल 22 तारीख से 31 दिसंबर क्रिसमस वैकेशन के 10 दिन की शिविर यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर का टाइम टेबल भी वापिस सबको भेज रहे हैं। वैसे आपने सबने पदार्थ विज्ञान द्रव्यानुयोग सीखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे नए मेहमान है, लीला बहन जी है या और दूसरे दूसरे जो भी नए मेहमान हैं, ये खुशबू बहन जी भी नए मेहमान हैं, तो जिनको अगर इंटरेस्ट लेना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ टाइप ऑफ क्लासेस चलेंगे ऐसा। अब दिन 10 ही है तो 10 दिन के अंदर सब्जेक्ट जितना मैक्सिमम होगा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पूरे दिन के अंदर एवरी डे 5 क्लासेस जो है वो चलेंगे, इसके द्रव्यानुयोग के चलेंगे। तो जिसको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है वो जरूर साथ में जुड़ सकते हैं। और आप टाइमिंग लोगों ने जिनको ने अब स्टडी कर ली है उनको उपस्थित नहीं है, जरा और ज्यादा डीपली समझना है, थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा समझने से। यहाँ नए लोग हैं, यहाँ नए लोगों को सिखा रहे हैं, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो साथ में आपकी भी स्टडी हो जाएगी। हाँ जी, परसों सैटरडे को जो है मौन एकादशी का वार्षिक पर्व है। सैटरडे फुल डे जो हम जैसे पर्युषण समझे मौन एकादशी, ये वार्षिक पर्व है, तो ये भी आराधना है, उसके अंदर भी साथ में जुड़ेंगे। यही ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी तो मौन एकादशी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। नमो रियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो वैर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पञ्च नमकारु सर्वपापपनाशमङ्गलानां मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूले भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोदमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पन्नतोदमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शाश्वतम्। नहीं धर्म लाभ नहीं होता तुम्हारे काल वंदना रिकॉर्डेड साहिब।